नमस्कार, मैं आपको बताता हूँ कि 5 पौधे जो कंपलसरी हैं वो घर में लगाएं उनका बताता हूँ। उसके अलावा भी हम बहुत सारे लगा सकते हैं। देखिए, छत है, छत पे वाटरप्रूफिंग करके टाइल लगा रखी है हमने। ये मीठे नीम का पौधा है जो बड़ा ही अच्छा पौधा है। मीठे नीम का हर घर में होना चाहिए पौधा। तो इसका इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। कहने को नीम है, प्रॉपर्टी सारी नीम वाली है, लेकिन इसमें खुशबू होती है और मीठा होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, जो मीठा भी है और नीम वाली प्रॉपर्टी भी है। ऐसे चबा के भी खा सकते हैं इसे, बाकी काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। ये छोटा है, देखिए ये बड़ा होगा, इसका पेड़ बन सकता है। बड़ा पेड़ भी, बड़ा गमला होगा तो पेड़ भी, और कच्ची जगह में लगा लेंगे तो बड़ा अच्छा रहता है। एक तो ये ब्लड प्योरीफायर है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और हमारी बॉडी छरहरी रहती है, इसे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, और अननेसेसरी वेट जो हमारा वेट को भी कम करता है। जो डायबिटिक लोग हैं, अगर सुबह उठ के वॉक करने गए, सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग में उठे 4:30-5 बजे, योगा किया घर पे, फिर वॉक करने चले गए, वॉक करते करते पत्ते चबाने, ऐसे रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। काढ़े बनाने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो आप काढ़ा बना के ले लें, या सुखा के ले लें, किसी चटनी ले लें, या फिर जाते जाते ऐसे पत्ते ही चबा लें। बड़ा आसानी से इसका फ़ायदा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, डायबिटीज़ में बड़ा अच्छा रहता है। ये बबरी का पौधा भी है वैसे, तो इसमें उस अजवाइन जैसी खुशबू आती है, बड़ी अच्छी खुशबू। ये मरवा का पौधा है, ये लगा सकते हैं वैसे। बाकी ये तुलसी है, एक ये पान तुलसी है, एक कैम्फर तुलसी है, एक लौंग तुलसी है। इनमें ऐसी ऐसी खुशबू आती है, एरोमा बड़ा अच्छा एरोमा होता है इनका। ये ब्लेज का प्लांट है, ये ब्लेज का प्लांट है जिसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है। देखिए कितना अच्छा प्लांट है, तो बड़ी अच्छी खुशबू। अब दूसरे नंबर पर मैं आपको पौधा बता रहा हूँ, ये है हड़जोड़ का पौधा, इसे कहते हैं हड़जोड़ का, हड़जोड़ की बेल, तो इसकी गांठें होती हैं। तो ये पौधा हमारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है, हमारी हड्डियों को शक्तिशाली बनाता है। जो आजकल वीकनेस ही लगती है, लोग कहते हैं कि वीकनेस है तो कमजोरी, तो हड्डियां भी मजबूत होंगी हमारी और मांसपेशियां भी मजबूत होंगी अगर हम हड़जोड़ का, इसको जैसे मसूर की दाल बनाई तो उसके साथ में ही इसको भी यूज़ कर लिया, तो ऐसे करके इससे भी बड़ी, इसमें कैल्शियम सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट्स होते हैं, तो बड़ी अच्छे मिनरल पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर। तो हड़जोड़ का पौधा भी घर में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक शतावरी का पौधा बड़ा अच्छा रहता है, ये शतावरी का पौधा है, जो माँ बहनें, जो बहनें जिनकी शादी होने वाली हैं तो उनके स्तनों का पूरा विकास हो, जो माताएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके स्तन का विकास भी पूरा हो, उसमें अच्छे हार्मोन्स से अच्छा दूध अच्छी मात्रा में बने, तो इसके लिए शतावरी बड़ी अच्छी चीज़ है। गर्भवती माताओं के लिए और जो जो स्तनपान कराने वाली जो धात्री हैं माताएं, उनके लिए बड़ा ही एक रामबाण है। तो इसका इसका शतावरी का पौधा भी जब जरूरत पर लगाते हैं। एक गिलोय, जो गिलोय की बेल है, ये तीनों रोगों में, वात पित्त कफ, किसी भी तरह का रोग हो तो हर किसी में गिलोय की बेल, गिलोय हर घर में होनी चाहिए, मीठा नीम हर घर में होना चाहिए, गिलोय हर घर में होनी चाहिए, तो गिलोय का पौधा भी, बेल भी लगाएं, तो जो कि अपने आप ही ऊपर चढ़ती आएगी। और अब तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो बनाई है खासकर कि इस बरसाती मौसम में तो बड़ी तेज़ी से सब पौधों का विकास होगा। वात पित्त कफ किसी भी तरह के रोग हों, हर तरह के रोग में इसका लाभ मिलता है, तो ये भी लगाएं। ये लोबिया की बेल है, ये हो गया। एक ये एलोवेरा का पौधा, एलोवेरा का पौधा भी देखिए छोटे से गमले में लग सकता है, तो एलोवेरा का पौधे भी लगाएं जिसमें कि अनेक पोषक तत्व भी हैं। इससे हमारी हमारे जोड़ों में दर्द नहीं होता, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, चाहे कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, हाथों का दर्द हो, दर्द भी ठीक होता है इससे। उसके अलावा इससे हमारा पाचन भी ठीक रहता है, स्किन का ग्लो बड़ा अच्छा होता है, ग्लो खाते ही स्किन पे ग्लो हो जाता है, बड़ा अच्छा रहता है, तो ग्लो भी लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। तो ये छोटे छोटे एक गुड़मार का पौधा, जैसे ये है पत्ता है, लगभग ऐसे ऐसा ही पत्ता होता है गुड़मार का, तो गुड़मार का पौधा भी लगाएं, जो कि डायबिटीज़ में एक रामबाण की तरह काम करता है। एक पत्ता डेली सुबह चबा के खा लें, या उसका स्मूदी बना लें, या फिर उसको काढ़ा बना के ले सकते हैं। गुड़मार बड़ी अच्छी चीज़ है, हर किसी के घर में होना चाहिए। शादी होते ही हफ्ते में एक पत्ता अगर ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, आगे लाइफ लॉन्ग लेते रहें हम लोग। तो एक ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी बड़ा ही अच्छा कीमती मेडिसिनल प्लांट है, तो अश्वगंधा के पौधे का भी एक पत्ता या तो चबा के खा लें सुबह जब वॉक पर जाएँ। मैं तो कहता हूँ कि नाश्ते में तो आप पत्ते ही चबाएँ, हल्का सा कड़वा है, कड़वी कसैली चीज़ें ही हमारे शरीर को निरोगी रखती हैं, इनका पूरा लाभ उठाएं। तो अश्वगंधा के पांचों अंग, पत्ते भी, इसके स्टेम भी, इसकी जड़ भी, इसके फूल भी, जो फल हैं, ये देखिए, ये जो जो इसमें से फल निकलते हैं फूलों में से, तो जो बीज निकलते हैं, ये भी बड़े अच्छे कीमती होते हैं, हर किसी की मेडिसिनल वो वैल्यू है। बाकी इसी तरह से सदाबहार का पौधा, सदाबहार का फूल, कहने को ये फूलों का पौधा है लेकिन इसके पत्ते डायबिटीज़ में बड़े ही फायदेमंद रहते हैं। तो ये अगर एक पत्ता चबा के खाना है ऐसे सुबह नाश्ते में, तो पत्ते ही खाएं आप बस, या तो पत्ते चबा के खा लें सुबह वॉक पे जाते समय आते समय, या फिर उनका स्मूदी बना के ले लें। 4-5 तरह के पत्ते तो बड़े ही कीमती रहते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो मीठे नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, सदाबहार के पत्ते, और एक जामुन का पत्ता, आधा अमरूद का पत्ता,
और थोड़े मीठे नीम के पत्ते, थोड़े कड़वे नीम के पत्ते, ऐसे पत्तों की स्मूदी बना के सुबह ले लें तो सुबह नाश्ता, फिर बेशक 10-11 बजे आप नाश्ता कर लो, सुबह 8 बजे तो यही लो आप। अदरवाइज उसके बाद लेना चाहें तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले सकते हैं। जो लोग हेल्दी रहना चाहें, जो लोग मोटापा कम करना चाहें, अश्वगंधा का पत्ता लेते ही फिर मोटापा कम होना शुरू होता है, बॉडी में रंधा लगा देता है अंदर से, हमारी बॉडी को शार्प फिगर शेप अच्छी देता है, तो इसलिए अश्वगंधा का पत्ता मोटापा कम करने के लिए ज़रूर खाएँ। और सुबह पत्तों की स्मूदी ले लें, बाद में खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं, पेठे का जूस ले सकते हैं, और मीठा नीम को तो थोड़ी हल्दी के साथ भी ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, बॉडी को बड़ा डिटॉक्सिफाई करते हैं, कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े हमें निरोगी रहें। तो 5 पौधे आप घर में जरूर लगाएं, एक तो मीठे नीम का पौधा, एक गिलोय का, गिलोय की बेल, एक एलोवेरा का, और एक शतावरी का भी जिसको जरूरत हो वो लगा सकते हैं, और एक ही अश्वगंधा का। इस अश्वगंधा की जो जड़ है ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, और अगर जो बच्चों का वजन कम है तो उनका वजन को उसको सॉलिड निगर सही करने में भी, जो वेट लिफ्टर हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग पुशअप लगाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पहलवानी कसरत करते हैं, उसके लिए अश्वगंधा की जड़ बड़ी अच्छी रहती है, जो मांसल बनाती है शरीर को, चर्बी नहीं बढ़ाती, मांसल सही बनाता, हमारा निगर सही होता है, जिससे कि हहमारा कैलिबर स्टैमिना बढ़ता है। ऐसे 5 औषधीय पौधे घर पर जरूर लगाएं। बाकी तुलसी का पौधा तो कंपलसरी है ही, हर घर में होना चाहिए, हर भारतीय घर में तुलसी, तरह तरह की तुलसी होती है, मरवा की तो चटनी बना के भी खा सकते हैं, मरवा भी एक तुलसी की प्रजाति है, और ये देखिए तुलसी तरह तरह की, तुलसी का पौधा भी हमें सारे एंटीवायरल प्रॉपर्टी है इसकी, हर तरह के वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाने की इसमें क्षमता होती है, अगर हम खाली पेट लें, खाली पेट जितने भी पौधे के पत्ते हैं खाली पेट लेंगे तो अच्छा रहेगा। और राजीव दीक्षित जी तो हमारे घर आए थे, तो राजीव दीक्षित जी कह रहे कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम करें, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, मैं चाहता हूं कि आप भी प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ के लिए एलोपैथी दवाई ना लेनी पड़े। वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने शुरू से इस चीज़ का लाभ उठाया। जब मैं 8th क्लास में था तो मैं एक सिरप शंख पुष्पी खरीद के लाया, मैंने पापा को दिखाई कि पापा ये सिरप शंख पुष्पी है तो इससे मेरी शायद मेमोरी अच्छी हो जाएगी, ऐसा मैंने सुना, तो कह रहे बेटा ये ब्राह्मी के पौधे, ये ब्राह्मी का आप काढ़ा बना के ले लो तो यही अच्छे रहते थे, आप क्यों ये खरीद के लाए, तो बाजार से बनी है, आप तो घर पे बना सकते हो। तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता गया, पापा का बड़ा इंटरेस्ट था बचपन से ही, तो मेरा भी इसी तरह से। राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत मोटिवेट किया कि डॉक्टर साहब आप बड़ा अच्छा काम करें, तरह तरह की योजनाएं बना सकते हैं हम घर पे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी योजनाओं की अगर हम इनका संरक्षण ले लें। इसी तरह से मेरा जो चैनल है यूट्यूब का चैनल, इस पर मैं हर संडे को शाम को 4:30 बजे लाइव होता हूँ, तो आप वो लाइव सेशन जरूर देखें। और जो जगदम्बा बेबी केयर जो मेरा चैनल है, हर बीमारी को हम नेचर के तरीके से और जड़ी बूटियों से कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करके, डेली सुबह मालिश करें, डेली सुबह योग करें, डेली सुबह सैर पर जाएँ और जड़ी बूटियों का सहारा लें, तो लगभग सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो इस वीडियो को सब लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि आजकल जो ऑक्सीजन की कमी का माहौल चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी अगर घर पर हमने ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा ली। तो देखिए चार, देखिए करनाल को पूरा दिखाओ, देखो गुरमीत, देखो देखो ये ऊपर से और ऊपर करके हाथ, ये देखिए चारों तरफ प्रकृति ने कैसी छटा बिखेर रखी है, जैसे हिल स्टेशन होता है, हिल्स भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हिल्स भी पास में है सारी, शिमला मसूरी वगैरह करनाल के पास है। आप प्रकृति की छटा आप घर पे बिखेर लोगे, आपका भी घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो जैसे हम इनकी रक्षा करेंगे पेड़ पौधों की, ये भी माता पिता की तरह से हमारी रक्षा करेंगे, हमें अनेक बीमारियों से बचाएंगे। तो आप अगर बर्थडे पे लोग मनाते हैं, बर्थडे होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाते पीते हैं, जंक फूड लेते हैं, इसके बजाय एक पौधा एक घर में लगाएं, हर कोई एक पौधा लगाएं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब महंगा है, 100 रुपये का पौधा आएगा कैसे, मैं कहता हूं हफ्ते में एक बार व्रत रख लें, एक बार फास्ट रख लें, पैसे भी बचेंगे, उन पैसों का पौधा लगा लें, जिससे कि बीमारी ना हो। और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया हमने घर के अंदर, वो सिलेंडर से ऑक्सीजन आती रहेगी और हमारी फिटनेस भी अच्छी रहेगी। हर उम्र में पौधे फिट रखेंगे हमें, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और सब लोगों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।